नमस्कार, ये तिल के दाने हैं और ये कच्ची छिलके निकली हुई तिल है। वैसे छिलके वाली तिल ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ छिलके वाली तिल उपलब्ध न होने के कारण इसे ही उपयोग में लाया जा रहा है। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन B6 और फाइबर भी काफ़ी मात्रा में होते हैं। इसकी तासीर गर्म होने से इसे ठंड के मौसम में ज़्यादा खाया जाता है। इसे हमेशा खाना है तो कैसे खाना है इसका तरीका हम बता रहे हैं। एक बर्तन में 5 छोटे चम्मच तिल लेंगे और इसमें करीब 200 ml यानि 200 ml पानी डालेंगे और ये पानी साफ उबाल कर ठंडा करके डालना है। और अब इसे फूलने के लिए 3-4 घंटे के लिए रख देंगे और इसके खाने से कमज़ोर हड्डियां मजबूत होती हैं। और अब ये तिल फूल गई है। अब इसे पानी सहित मिक्सी के जार में डालकर पीसना है। यदि ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब इसे पीस लेना है। वैसे तिल 3 तरह की होती है, सफ़ेद, लाल और काली, लेकिन सफ़ेद रंग की तिल ही खाने के काम में ज़्यादा ली जाती है। अब इसे पीस लेना है। अब ये हमने पीस लिया है और इसका ये गाढ़ा दूध तैयार हो गया है। और अब इसे छन्नी से छान लेंगे और ये देखें, ये इस तरह से है। वैसे बिना छाने भी उपयोग कर सकते हैं। और इसे छान लेना है। इस दूध का उपयोग 2-3 चम्मच या अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा खाने के लिए कर सकते हैं। इसे सब्जी में डालकर, सलाद के ऊपर डालकर या अन्य खाने की चीज़ों में डालकर खा सकते हैं। इसे कच्चा या भूनकर भी चबा कर खा सकते हैं। फाइबर ज़्यादा होने से पाचन क्रिया ठीक रहती है। तिल अगर पुरानी हो जाए तो थोड़ी कड़वापन आ जाता है, तब इसे भूनकर ऐसे ही या मीठा डालकर खा सकते हैं। ये जो बचे हुए छिलके हैं, इन्हें भी खाने के उपयोग में ला सकते हैं। इसके दूध का स्वाद मीठापन लिए हुए स्वादिष्ट होता है। इसे थोड़ी मात्रा में ऐसे ही पी सकते हैं। इसका फिर भी इसे कम मात्रा में खाएं, अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार ही इसका उपयोग करें। और एक टिप, इसका दूध चेहरे में लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धो लें। चेहरे की त्वचा साफ और मुलायम हो जाएगी। धन्यवाद।